Good morning, children. Now, today we have the turn of class second. In the last class, I was not able to take the class due to network problem. But we have completed lesson number 5, and today we start with lesson number 6. In homework, I gave you to do exercise C yesterday. I hope you all have done it in your fair copy and in your book. Now, lesson number 6. Those who have the book, open your book. Page number 26. जिन लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक खोल लो. पेज नंबर 26 खोलो अपनी बुक. पेज नंबर 26 और अपनी पेंसिल हाथ में रख लो. पेंसिल भी अपने साथ रखो जिससे कि आप कुछ रूल्स हैं जो कि अंडरलाइन कर सकते हो. वैसे तो मैं आपको फेयर कॉपी में दूंगी ही लिखने के लिए. यू कैन राइट आल्सो. नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल किसको कहते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं. काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनको हमें किलो या लीटर, मिलीलीटर, पाव भर, 250 ग्राम्स, है ना, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, लीटर उसमें लेना होता है. सपोज करो आपको पिक्चर दे रखी है, उसमें लिखा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. सबने अपना पेज खोल लिया. पहले तो ये बताओ मेरे को, हैव यू ऑल ओपन योर बुक? ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. 2 ही बच्चे हैं क्लास में, बाकी के कहां गए? चिल्ड्रन कम टू द क्लास, आई एम वेटिंग फॉर यू. आओ क्लास में, आओ पढ़ाई करने. चलो ठीक है, जो नहीं आता उस अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए. वील कंटिन्यू आवर. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में एक बुक दे रखी है, वन बुक. तो हम उसको काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं ए बुक. क्या लिख सकते हैं? ए बुक. सेकंड पिक्चर में 2 बुक्स दे रखी है, काउंट कर लिया हमने. पहले में एक थी, सेकंड में जब हमने काउंट करा तो 2 बुक्स हो गई. अब थर्ड पिक्चर में काउंट करो बुक्सों को, कितने बुक्स हैं. कम ऑन दोज हु आर हैविंग द बुक, काउंट द बुक एंड टेल मी हाउ मेनी बुक्स आर देयर. बुकों को काउंट करो और बताओ कितनी बुक्स हैं. कितनी बुक्स हैं? हाउ मेनी बुक्स इज आर देयर. Yes, 5 books. Hurry and write. Now, the next picture is bat. How many bats are there? 1 bat. So we'll write A. In the second period, 2 bats are there. So we'll write 2 bats.
एस लगाना है, सिंगुलर में एस नहीं आता, प्यूरल में अपन एस लगाते हैं। और फिर जो बैट्स बने हुए हैं वो फाइव है, तो फाइव के आगे कितने बैट्स लगाए जाएंगे, एस लगाया जाएगा, तो फाइव बैट्स हो जाएंगे। कैट, कैट कितनी है, एक ही कैट है, तो एक कैट, जब एक चीज होती है तो उसके पीछे ए लगाया जाता है। और दो कैट हैं तो बट नेचुरल टू कैट्स, एस आ गया, प्यूरल बना दिया अपन ने उसको। एंड देन फाइव कैट्स आ दे, सो वील राइट फाइव कैट्स, कैट्स के आगे एस लगाओगे, फाइव कैट्स। इतना ये पिक्चर समझ में आ गई, हैव यू अंडरस्टूड द पिक्चर? यस, हरियंत हेमंग आर गिविंग द राइट आंसर, गुड। नाउ चिल्ड्रन, ऑल द अबव नाउंस कैन बी काउंटेड बाय अस, ऊपर के जितने भी नाउंस हैं वो अपन काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर में दे रखे हैं। सच नाउंस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस, उनको आप काउंटेबल नाउंस कह सकते हैं। एक काउंटेबल नाउन कैन हैव सिंगुलर और प्यूरल फॉर्म, काउंटेबल नाउन के अंदर सिंगुलर भी हो सकता है और प्यूरल है, दोनों ही हो सकते हैं। Articles a or an is always used with singular nouns. Articles a or an हमेशा singular noun के साथ काम में आता है। इसके काम में आता है, हमेशा singular noun के साथ आता है। Articles the can be before singular, article the can be used before singular countable nouns and plural countable nouns. Article the singular countable nouns के साथ और plural countable nouns के साथ दोनों में काम में आता है। सपोज करो द बॉय, तो एक सिंगुलर द हो गया, दूसरा है द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज प्यूरल में भी अपन ने द बॉयज लिखा है ना। अब है यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर प्यूरल नाउन्स, ये जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं ये प्यूरल नाउन्स में आते हैं काम में, जैसे मैनी, सम, फ्यू, ऑल, नो, एनी, इनफ। मैनी भी प्यूरल नाउन्स में आता है क्योंकि बहुत ज्यादा, सम यानी थोड़े से, फ्यू भी थोड़े ही कहलाते हैं, ऑल यानी सारे, नो यानी एक भी नहीं, एनी यानी एक और, इनफ, इनफ यानी बस बस करो, इनफ। एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट, सम मैंगोस, फ्यू चेस, ऑल गर्ल्स, नो फोटोग्राफ्स, एनी स्टैम्प्स, इनफ क्लोथ्स, ये सारे आते हैं, ये आपको विथ एग्जाम्पल इसने बताए हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, अब मैंने आपको इतना समझाया, समझ में आ गया सबके? यस और नो चिल्ड्रन? जो मैंने अभी समझाया, हैव यू अंडरस्टूड इट? ओके, okay, now we'll move further.
लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। पिक्चरों को देखो और वर्ड्स रीड करो। मिल्क, मिल्क है, दूध की बॉटल है, इसमें दूध भरा हुआ है। वाटर, वाटर है ग्लास में, पानी में। अनकाउंटेबल नाउंस बता रहा है ये अपन को। ब्रेड, ब्रेड की एक पॉलिथिन रैप करी हुई आती है, उसमें एक एक स्लाइस आते हैं। फिर है ब्लड, खून भरा हुआ है बॉटल में। फिर है फ्लोर, आटा भरा हुआ है थैले में। स्मोक, चिमनी में से, फूकनी में से धुआं निकल रहा है। फिर है वुड, लकड़ी। फर्नीचर, फर्नीचर। और फिर है न्यूज, न्यूज़पेपर जो आता है ना, वो अखबार जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो ये इसने अपन को एग्जाम्पल दिए हैं अनकाउंटेबल नाउंस के। किसके एग्जाम्पल दिए हैं? अनकाउंटेबल नाउंस के। ऑल द अबव नाउंस कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस। जितने भी ये नाउंस दिए हैं, दूध, पानी, ब्रेड, ब्लड, आटा, स्मोक, स्मोक यानी धुआं, लकड़ियां, फर्नीचर, न्यूज़पेपर, अपन इन सब चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं। सच नाउंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस। इन नाउंसों को अनकाउंटेबल नाउंस कहते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउंस कैन ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउंस के सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं। आर्टिकल्स ए और एन इज नेवर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउंस। ये कह रहा है कि आर्टिकल्स ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउंस के साथ नहीं लगता है। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस। तुम जो वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज करते हो वो कौन कौन से हैं? वो है सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, सफिशिएंट, होल। एग्जाम्पल, सम राइस, मच सिंपथी, लिटिल नॉलेज, इनफ मनी, ऑल गुड, नो कॉमन सेंस, एनी बुक, सफिशिएंट वॉचर, होल अटेंशन। अब मैं आपको ये वर्ड्स बुलवाती हूँ, आप बोलना है ना एक बार। देखो एग्जाम्पल बुलवा रही हूं, बोलना। सम राइस, मच सिंपथी, लिटिल नॉलेज, इनफ मनी, ऑल वुड, no common sense, no common sense, any book, sufficient water, whole attention, आया बोलना, बोला आपने। गुड।
Now, the easy way to find out countable or uncountable. ये आपको कुछ तरीके बता रहा है कि आपको इजी तरीके से countable और uncountable nouns कैसे ढूंढ सकते हो. यानी आपको अगर मैं दे दूं कि countable और uncountable noun इसमें से ढूंढो, खूब सारे इकट्ठे करके दे दूं, तो आप इसमें से कैसे ढूंढोगे? You can easily find out whether a noun is countable or uncountable by asking yourself the following easy question. आप अपने आप को एक easy question पूछो और उससे मालूम करो कि ये countable noun है या फिर uncountable noun है. Suppose करो, Can I put article a or an before the noun? क्या आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं article a और an noun के आगे लगा सकता हूँ? Can I put a number before a noun to change it into plural? क्या मैं number लगा सकता हूँ noun को change करने के लिए plural में? If the answer to this question is yes, the noun is countable. अगर ये question yes है आपका, तो वो countable noun है. अब देखो पीछे वाले पेज पे आ जाओ एक बार. पीछे वाले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 26 में. इसमें आपको a book दे रखा है, countable noun हो गया. फिर आपको दो बुक दे रखी है, उसके साथ एस लगा हुआ है, तो टू बुक्स एस लग गया यहां. फाइव बुक्स नंबर आ गया है, टू आ गया, फाइव आ गया, प्यूरल में एस लग गया है ना. तो ये हो गया काउंटेबल प्यूरल नाउन्स. फर्स्ट में सिंगुलर नाउन था काउंटेबल, और फिर दो जो बुक्सें बनी हुई हैं, दो कॉलमों में जो बुक्स बनी हुई हैं, वो प्यूरल काउंटेबल नाउंस की बनी हुई हैं. आ गया समझ में? Have you understood it? Yes or no? All have understood? No. Then come to exercise A. Exercise A करते हैं अपन, उस पे आ जाओ. Fill in the blanks with much or many. आपको से much और many से fill in the blanks करनी है. How dash milk is there in the pot? Pot के अंदर कितना दूध है? How dash milk is there in the pot? Much आएगा या many आएगा? ये देखो आप, much आएगा या many आएगा? Come on, give me the answer. Many नहीं आएगा बच्चों, अरियंत, हेमंत, मच नहीं आएगा, many नहीं आएगा. many तो अपन 1, 2, 3, 4, 5 को जब काउंट करेंगे तब आएगा. इसमें आएगा मच. क्या आएगा इसमें? मच. जब हम 1, 2, 3 काउंट करेंगे तब आएगा हाउ मैनी, है ना. जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आप बताओगे 25 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं. आ गया समझ में? और अगर आप कोई चीज को काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो जो पीने की चीजें होती हैं, तो हाउ मच आता है उसमें. अगर मम्मी कहेगी हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तुम्हें कितना दूध चाहिए, आधा ग्लास, पौन ग्लास, पूरा ग्लास दे दूं क्या, है ना, तो वो मच होता है. ठीक है. How dash frogs are there in the pond? Come on, tell me. How dash frogs are there in the pond? Pond में, तालाब में कितने मेंढक हैं? कौन बताएगा ये आंसर?
बताइए फ्रॉग्स कितने हैं पॉन्ड में? यस, जो मैंने आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। अब फ्रॉग तो काउंटेबल नाउन है, अपन गिन सकते हैं, है ना, तो ये राइट है मैनी। थर्ड, हाउ डैश मैचस्टिक्स आर देयर इन द मैच बॉक्स? मैच बॉक्स के अंदर कितनी मैचस्टिक्स हैं? यानी जो मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है, उसके अंदर कितनी माचिस की तिल्लियां हैं? काउंट करके भी बता सकते हो, तो फिर उसमें क्या आएगा ये बताओ मेरे को। यस, गुड, अब सबके समझ में आ गई। राइट आंसर्स, एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन फोर, हाउ डैश वॉटर इज देयर इन द जग? जग के अंदर कितना पानी है? हाउ डैश वॉटर इज इन द जग? जग के अंदर कितना पानी है? मच आएगा या मैनी आएगा? कम ऑन टेल मी। पानी कितना है? दिव्यांशी, ग्रामर की लेसन नंबर 6 चल रहा है, आप पूछ रहे हो। मच आएगा, ये रीडर नहीं है, ये ग्रामर है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, लेसन नंबर 6। ओके चिल्ड्रन, दोज हू हैव गिवन द आंसर मच, दैट इज द राइट आंसर। नंबर 5, हाउ डैश टी इज देयर इन द फ्लास्क? फ्लास्क के अंदर कितनी चाय है? हु विल गिव द राइट आंसर? कौन देगा राइट आंसर? मच आएगा या मैनी आएगा? जो बच्चे मच आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। द आंसर इज मच। 6, हाउ डैश चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम? हाउ डैश चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम? क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं? बताइए, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम? क्या आंसर है इसका? यस, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम? द आंसर इज मैनी। गुड, नाउ 7, हाउ डैश फ्रेश एयर इज देयर इन द रूम? हाउ डैश फ्रेश एयर इज इन द रूम? रूम के अंदर कितनी फ्रेश एयर है? क्या लिखोगे आप, मच या मैनी?
हरियंत मानसिकाला चौधरी ने राइट आंसर दिया है, मच आएगा, मैंने थोड़ी नहीं आया, हेमंत ने भी राइट आंसर दिया, मानसी चौधरी का राइट है, और कौन है ये दिव्यांशी का राइट है, दिव्यांशी शर्मा का राइट है ना, मच आएगा बेटा, मैनी नहीं आएगा, हवा को अपन देख थोड़ी सकते हैं, काउंट थोड़ी कर सकते हैं, एयर इज नॉट काउंटेबल, ओनली वी कैन फील इट, हवा को महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वी कैन फील इट, महसूस ही कर सकते हैं। नाउ एट, हाउ डैश बुक्स आर देयर इन द बुक सेल्फ, हाउ डैश बुक्स आर देयर इन द बुक सेल्फ, बुक सेल्फ में कितनी बुक्स हैं, क्या लिखोगे उसमें, व्हाट यू विल राइट, यस कम ऑन टेल मी, बेटा नहीं आए तो कोई बात नहीं, सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर सेइंग सॉरी, अपन क्लास में बैठे हैं लर्न करने के लिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके हाँ, डोंट फेल, चलो हाउ मैनी, मैनी आएगा, बुक्स कितनी है ना, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द बुक सेल्फ, कितनी बुक्स हैं बुक सेल्फ के अंदर, 9, हाउ डैश बर्ड्स आर देयर इन द किडिस केज, इस पिंजरे में कितने बर्ड्स हैं, कितने पक्षी हैं, हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन दिस केज, इस केज में इस पिंजरे में कितने पक्षी हैं, यस मच या मैनी, आया कि नहीं, यस गुड, मैनी राइट आंसर है, 10th है, हाउ डैश जूस इज लेफ्ट इन दिस बॉटल, इस बॉटल में कितना जूस बाकी रह गया, हाउ डैश जूस इज लेफ्ट इन द बॉटल, इस बॉटल में कितना जूस अभी बाकी है, क्या आएगा मच या मैनी, बच्चा इसमें मच आएगा, हाउ मच मिल, हाउ मच जूस इज लेफ्ट इन द इन दिस बॉटल, कितना जूस रह गया इस बॉटल में, अब ऐसा है अपन ने ये एक्सरसाइज कर ली है, अब अपन जॉय ड्रिल आप अपने आप करेंगे, दिस इज फॉर यू, जॉय ड्रिल आपके लिए है, टू एंजॉय इट, आपको सिर्फ इसमें राइट सी फॉर काउंटेबल नाउंस, अगर काउंटेबल नाउंस है तो सी लिखना, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यू लिखना है,
देखते जाना, जैसे चेयर है, सबसे पहले चेयर है, तो चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, कुर्सियां अपन गिन सकते हैं। यहां दे रखे चावल एक बाउल में, मगर चावल का एक एक दाना अपन नहीं गिन सकते, तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो आप यू लिख देना, ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। I hope you have understood this lesson. Most of the children had given me the right answer. ज्यादातर सब बच्चों ने मुझे right answer दिया है। वैसे जिन बच्चों ने गलत answer दिया है, उन्होंने भी एक या दो answer गलत दिए हैं। बाकी तो सबके ही सही answer थे। Very good. You have paid attention, children. Attend the class like this and pay attention to it. Okay. Good. We'll meet in the next class.